तो दोस्तों पशुपालन विभाग में दोस्तों बम्पर भर्ती आई है। टोटल 1400 पदों के लिए बम्पर भर्ती ला दी गई है। तो इसी के रिगार्डिंग सारी बातों डिटेल से बताने आ चुका हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकता है, ये फॉर्म कहाँ की है और ये किस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाधराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। दोस्तों इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों जो बेल आइकन है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ऑल है इस ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों जहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड दोस्तों उसके थ्रू दोस्तों एक वैकेंसी लाया गया। जो आप नीचे आते हैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दोस्तों ये रहा इसका दोस्तों मेन वेबसाइट में अगर जाना है तो आपको यहाँ पे इंटर वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों देखते ये रहा यहाँ पर क्लिक करके इसका जो मेन वेबसाइट है जहाँ पर आप पशुपालन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। और तो नीचे आते हैं दोस्तों ये रहा जो आप देख सकते हैं BPNL 2020-21 वैकेंसी नोटिफिकेशन दोस्तों देखते ये रहा जो आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं क्लिक किया मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फाइल दे दिया है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। चलिए दोस्तों उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं ये रहा पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों। तो इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों मेरे चैनल से बढ़ जाएगा जो भी न्यूज आएगी जो भी वैकेंसी आएगी मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताते रहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो आप देखते हैं विज्ञापन संख्या दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ये किसी प्रकार कोई फेक न्यूज़ नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं पद नाम क्या है तो कौशल केंद्र प्रभारी है, कौशल विकास अधिकारी है, कौशल प्रवेश सलाहकार है, पशुपालन उन्नति केंद्र है, कार्यालय सहायक है। दोस्तों जहां पे आप देख सकते हैं कितना कितना पद संख्या है, देख सकते हैं यहाँ पर 959 यहाँ है, 188 यहाँ है, 97 यहाँ है, यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पर एक एक है और दोस्तों यहाँ पर 99 है। इस तरह से दोस्तों देख लिया जाए तो टोटल आपका आई थिंक लगभग 1300 से ज़्यादा वैकेंसी है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको आवेदन शुल्क सभी के लिए कितना कितना शुल्क लग रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 940 पर लगेगी, इसके लिए देखते हैं 826 पर लगेगी और कौशल प्रवेश सलाहकार के लिए 760 पर लगेगी। जहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कितना कितना किस फॉर्म के अनुसार किस पोस्ट के अनुसार कितना कितना आपका आवेदन शुल्क लग रही है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं उसके बगल में आपका वेतन भी दिया गया है कि आप किस पोस्ट के अनुसार आपको कितना कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपका सबसे मैक्सिमम है जो 18000 है जो आपका कौशल केंद्र प्रभारी के अनुसार मिलेगा, जिसका आवेदन शुल्क भी अच्छा खासा है लगभग 1000 रुपया है। दोस्तों ये थी, अब आते हैं दोस्तों नीचे जहाँ दे सकते हैं अगर आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसका आपका 18% जो GST आवेदन शुल्क में एक्स्ट्रा देना होगा। विशेष दोस्तों यहाँ पर इसलिएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। और तो जब ऑनलाइन कीजिएगा अप्लाई तो वहाँ पर टोटल आपको डिटेल्स देना होगा, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो कौशल केंद्र प्रभारी के लिए जो पहला नंबर था वहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, सिंपल सा अगर स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा अपने अनुसार दोस्तों उसका कौशल विकास के लिए सिंपल सा दोस्तों देख लेते हैं स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक मतलब कि सिंपल सा ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ऊपर में जो था वो था PG। उसके बाद तो नीचे आते हैं जहाँ देखते हैं बर्मिशिप पास हैं तो उसके बाद 10th पास हैं तो इसके लिए, और तो नीचे देखते हैं कार्यालय सहायक के लिए सिंपल से आप 10th पास हैं और हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आना चाहिए। और अन्य योग्यताएं दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिया गया आप देख लीजिएगा। तो ये थी जहाँ पर मैं सारी बातों को डिटेल से बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं तो आगे शनि अनुसार कार्य दायित्व, अब शनि अनुसार क्या क्या कार्य है, क्या क्या करना है आपको यहाँ पर टोटल डिटेल से बताया गया। टोटल सभी जो भी आपका पोस्ट सभी पोस्ट का दोस्तों आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, अगर बताऊंगा डिटेल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो मेन बात है मैं आपको दोस्तों वो बता चुका हूँ। और चयन प्रक्रिया दोस्तों क्या है, तो सिंपल सा आप देखते यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है, आवेदन पत्र प्राप्त के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर अगले चरण के लिए चयन किया जाएगा। चयनित करने के पश्चात आपकी ईमेल आईडी पर अनुबंध भेजा जाएगा। दोस्तों मतलब क्या है कि कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपके मेरिट के अनुसार ये आपको भर्ती किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों किसको आप अप्लाई की सीख कीजिएगा, तो आवेदन करने के लिए सिंपल तरीका दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर फॉर्म को पूरा भरें, फॉर्म में दिए गए सभी कॉलम को आवश्यकता अनुसार भर लें, मतलब कि जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो भी आपसे डाटा पूछा जा रहा है, इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फिल कर लें अच्छे तरीके से, आवेदन फॉर्म को सबमिट कर लें। और अगर किसी प्रकार गलती होती है या किसी प्रकार इंक्वायरी करना है तो आपको यहाँ पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। और ये इंक्वायरी प्राप्त करने का दोस्तों सिंपल सा आपको जो टाइमिंग है
सुबह 10 बजे से 5 बजे के शाम के बीच आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान दिए गए विकल्प में से किसी एक के माध्यम से करें। और दोस्तों जैसे ही फॉर्म आप फिल कीजिएगा, पेमेंट का जो पेज ओपन होगी वहाँ पे आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर लीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग थ्रू या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी है चालान के थ्रू आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार पेमेंट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सारी बातें बता चुका हूँ। हाँ दोस्तों ये था आज का वीडियो दोस्तों, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों साथ, और इस तरह की बात करने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि सारा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन ग्रुप में आपके पास पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं भाषा का सभी स्कीम से अप टू डेट रहना तो मेरा जो चैनल एक और है नेशनल स्कीम, उस चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्कीम जितना भी है उसके तहत ओरिजिनल वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं बगल में ये रहा लोगो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।